बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले फेमस फिल्मकार प्रकाश झा का जन्मदिन है। उनका जन्म 27 फरवरी 1952 में बिहार में हुआ था। प्रकाश झा अपने करियर में गंगा जल, राजनीति, सत्याग्रह जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई सैनिक स्कूल में की थी। वहीं ग्रेजुएशन करने के बाद वे दिल्ली आ गए थे। आज माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले प्रकाश झा बचपन में पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके करियर में तब टर्निंग पॉइंट आया जब वो मुंबई आए और फिल्म धर्म की शूटिंग देखने का अवसर मिला। बस उसी वक्त प्रकाश झा ने तय कर लिया था कि वो फिल्म मेकर बनेंगे। बस इसी के बाद उन्होंने साल 1973 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। प्रकाश झा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में आई फिल्म हिप हिप हुर्रे किसे की थी। इसके बाद उन्होंने दामोल फिल्म बनाई जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सशक्त फिल्मों में से एक है। प्रकाश की दामोल फिल्म बंधुआ मजदूर की कहानी को दर्शाती है। इसके बाद प्रकाश झा की गिनती समाज और राजनीति में समझ रखने वाले फिल्मकार के तौर पर की हुई। अपनी इन्हीं फिल्मों के चलते उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। वहीं इनकी शानदार फिल्मों में से मशहूर लेखक विजयानंद देश की कहानी पर आधारित फिल्म परिणीति को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म मृत्युदंड थी। उनकी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, शबाना आजमी, ओम पुरी जैसे बड़े सितारों ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। प्रकाश झा न सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे बल्कि अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। प्रकाश झा ने एक्ट्रेस दीप्ति नवल के साथ साल 1985 में शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी का रिश्ता सालों के बाद भी अचानक टूट गया। उन्होंने 2002 में 17 सालों के बाद तलाक ले लिया। दोनों एक बेटी को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने दिशा रखा था। वहीं तलाक के बाद प्रकाश झा और दीप्ति एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। बिग स्क्रीन की तरफ से भी प्रकाश झा को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है।